छत्तीसगढ़ की चर्चित विधानसभा सीटों में से एक है रायपुर की दक्षिण विधानसभा सीट। यहां के विधायक हैं ब्रजमोहन अग्रवाल। ब्रजमोहन अग्रवाल इन दिनों जनसंपर्क यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान मिल रहे रिस्पांस से वे बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में बीजेपी बहुमत से चौथी बार सत्ता में काबिज होगी। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क पदयात्रा में उन्हें लोगों का काफी अच्छा समर्थन मिला है। जनसंपर्क यात्रा के दौरान उनसे खास बातचीत की स्वराज संवाददाता आशीष तिवारी। बीजेपी की जनसंपर्क यात्रा अपने अंतिम चरणों में इस वक्त हम रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में है, जहां पर सरकार के वरिष्ठ मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल की विधानसभा है, यहां पर जनसंपर्क करने पहुंचे हैं। जनसंपर्क अब अपने अंतिम चरणों पर है। बीजेपी ने जो यात्रा निकाली थी पदयात्रा, किस तरीके का रिस्पॉन्स आप लोगों को मिल रहा है? देखिए, जनसंपर्क पदयात्रा, आशीर्वाद पदयात्रा, इसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हर घर घर में हमारा एक ये कह सकते हैं कि लोगों के साथ में एक पुनर्संबंध स्थापित हो रहा है और इसके माध्यम से जनता के बीच में एक अच्छी भावना पैदा हो रही है कि यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री एक सामान्य व्यक्ति की तरह घूम रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता भी इससे रिचार्ज हो रहे हैं और ये हमारा भी उत्साह का संचार कर रहा है। राजनीतिक तौर पर कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि इलेक्शन में 6 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन जो नजारा दिख रहा है लगता है कि बीजेपी ने 60% प्रचार अपना खत्म कर लिया है। देखिए, निश्चित रूप से जब हमारे देश में पदयात्रा का बहुत बड़ा महत्व रहा है और हम जानते हैं कि गांधी जी ने, दीनदयाल जी ने, शंकराचार्य जी ने पदयात्रा के माध्यम से पूरे देश को जोड़ने का काम किया है, ये 90 विधानसभा की जो पदयात्रा है ये बीजेपी की ताकत को बढ़ाने वाली है, जनसंपर्क को बढ़ाने वाली है और आने वाले चुनाव के लिए चौथी बार सरकार बनाने वाली पदयात्रा। कई पदयात्राएं कांग्रेस ने भी निकाली है, कांग्रेस की पदयात्राओं से बीजेपी की जनसंपर्क पदयात्रा कितनी अलग आप मानते हैं? देखिए, दोनों का अंतर आप अगर जाएंगे दोनों पदयात्रा में तो आप जाकर देखेंगे कि उनकी पदयात्रा कुछ कदम की होती है और बीजेपी की जो पदयात्रा है वो किलोमीटरों में होती है। ये महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी की यात्रा किलोमीटरों में होती है और ये बीजेपी जो यात्रा निकाल रही है इसका एक बड़ा सियासी फायदा भी पार्टी को मिलेगा। पार्टी से मजबूत होगी, कार्यकर्ता रिचार्ज होंगे और जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही है कि अब की बार चौथी बार, हो सकता है कि ये यात्रा बीजेपी के इस नारे के जरिए भी अपने जो एजेंडा पार्टी का है उस पर पूरा करने की कोशिश पार्टी करती नजर आएगी। हालांकि ये बात अलग है कि चुनाव में 6 महीने का वक्त बाकी है, नतीजे क्या होंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कैमरामैन दुर्गेश आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस रायपुर।